वे लोकसभा चुनाव 2019 के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के डबल इंजन के लिए मिल रहे आपके आशीर्वाद को मैं अपने सिर माथे पर रखता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग में मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ ही अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत भी अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले नामदार परिवार और यहां पर बैठे उनके राग दरबारी अपनी सल्तनत को मजबूत कर रहे थे, उन्हें आपकी भलाई से ज्यादा मलाई की जरूरत थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। सौभाग्य है कि देश के जिस महत्वपूर्ण भाग को मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं, वहां अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। विकास के डबल इंजन के लिए मिल रहे आपके इस आशीर्वाद को मैं अपने सर माथे लेता हूं। इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। भाइयों और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है।